सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू श्री अमरनाथ यात्रा। तो अभी जो है हम चेक पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं और जा रहे हैं पहलगाम की ओर। पहलगाम में दो लोगों के रजिस्ट्रेशन छूटे हैं, सबसे पहले वो कराएंगे कल की डेट में और कल की डेट में ही यात्रा शुरू करेंगे। वो लोग जिनका हमारा रजिस्ट्रेशन छूट गया है वो हमारे साथ श्री अभय सक्सेना और शुभम कुमार स्तुति पर। तो सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं चलते, और उसके बाद कल जो है उम्मीद है कि कल ही हम लोग यात्रा स्टार्ट करेंगे, वरना पहलगाम की पहलगाम की वादियों का आनंद लेंगे। आप वादियाँ आप देख सकते हैं। और भाई के अथक प्रयासों के लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और अगर भगवान की आशीर्वाद रहा तो ज़रूर हम जल्द ही गुफा तक पहुँच जाएंगे और बाबा बर्फानी के वहाँ पर दर्शन करेंगे। जय भोले जय। धीरे धीरे हम लोग जो है अपने होटल की ओर बढ़ते हुए, तो सबसे पहले जो है हम लोग पहलगाम में एक अच्छा सा होटल लेते हैं और होटल लेकर रात्रि में लंगर में जो है भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद आराम से सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग अभेन रूम में हैं जो रात शाम को लिया था, और अभी मेरे साथ दो छोटे भाई मौजूद हैं। तो रूम आप देख सकते हैं अभी काफ़ी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, काफ़ी सेट नहीं है क्योंकि दो लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा चुके हैं। और अभी हम लोग भी चलते हैं बाहर का नज़ारा देखते हैं कैसा क्या है, फिर आपको वही दिखाते हैं। यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा, आपको लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। पंकज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा पे, आपका अनुभव कैसा रहा है बताइए। अभी हम लोग जो है जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहीं पर जा रहे हैं। हमारी टीम के बंदे जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और मेरे साथ दोनों छोटे भाई जो मेरे साथ रहेंगे क्योंकि कैमरे का मैं भी शौकीन हूँ, कैमरे के ये लोग भी शौकीन। बाकी पंकज जो है अपनी वाइफ से बात करता हुआ, लेकिन उसको दिखा नहीं सकते हैं। चलिए वो वादियाँ आप हमारे पीछे देख रहे हैं, क्या लाजवाब सीन्स हैं ये देख लीजिए, पहाड़ वगैरह। यही इसी पास ही में मेरा होटल था जहाँ पे मैं रुका हुआ था, और सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। और अभी कोई उम्मीद नहीं है कि हम लोग आज यहाँ से यात्रा के लिए निकलेंगे, क्योंकि समय जो है वो लगभग 8:30 हो चुका है, और 8:30 जाना जो है वो उचित नहीं है। फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि हम लोगों को आज निकलना है या कल। ब्लॉग में ज़रूर बने रही है, आपको पूरी जानकारी हम देते रहें। इस समय जो है हम लखनऊ के लंगर में हैं, यहाँ पर हम चाय नाश्ता करेंगे जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, और यहाँ का सबसे पहला स्लोगन हमें देखने को मिलता है, उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। ये बहुत ही अच्छा स्लोगन है, यहाँ पे कोई भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं। और अभी जो प्रातःकाल चाय और रस की सेवा यहाँ पे उपलब्ध है, मेरी टीम के सभी यात्री मित्रगण जो है चाय का लाभ ले रहे हैं। बाकी सभी हमें मिला पंकज एक चाय मेरी निकाल दिया। तो यह है पहलगाम क्लब जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और अभी मेरी टीम के मेंबर जो हैं लाइन में लगे हुए हैं, लगे जो है वो अब थक गए हैं तो बैठ गए हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और नज़ारे को क्या ही कहना जो लगातार मिलते रहेंगे आपको, मेरे व्लॉग में देखते रहेंगे। और इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है तब तक मैं हम यहाँ की वादियों का एक्सप्लोर करते हैं, चलिए मेरे साथ। सामने क्या खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं पहलगाम में क्लब के पीछे, और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे वेटिंग रूम यहाँ पे बैठने वाला बना हुआ है, और क्या शानदार झरना यहाँ पे गिर रहा है, और इसका नज़ारा बिल्कुल। टीम का रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रहा है, लेकिन अभी हमारे साथ जो है हमारी टीम के मुख्य सदस्य संजय मिश्रा उर्फ भोले जी मौजूद हैं। आप हमारी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स लोगों को? देखिए भाई भाई बंधुओं, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ कुल लगभग 110 सदस्यों ने यात्रा हेतु पंजीकरण कराया था, जिसमें लगभग 70 सदस्यों का पंजीकरण हो चुका था, 40 सदस्यों का पंजीकरण नहीं हो पाया था।
अथाह परिश्रम के बाद आज लगभग सभी सदस्यों को पंजीकरण कराने में सफलता प्राप्त की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने बराबर का सहयोग किया। और जो है रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अब हमारी यात्रा कल स्टार्ट होगी। अब जो है अब मैं अंतिम व्यक्ति के साथ मैं यहाँ पर रुका हूँ, ऋषभ जी के साथ और उनकी टीम के साथ। अब कल से हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। बाबा ने कहा सबकी यात्रा मंगलमय एवं शुभ होगी। क्या हमारी टीम के कुछ सदस्य आज गए हैं? हमारी टीम के आज जो है सभी सदस्य चले गए हैं। अब मैं लगभग 20-25 सदस्यों के साथ ऋषभ जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जो है अब हम लोग कल यात्रा करेंगे। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन 12-1-2 बजे तक हो जाता है तो क्या हम चंदनवाड़ी के लिए आज निकलेंगे या आज यहीं स्टे? चंदनवाड़ी के लिए मैं जानकारी जुटा रहा हूँ, संभवतः शायद नहीं, क्योंकि चंदनवाड़ी में रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो आज जो है हम लोग यहीं स्टे करेंगे, क्योंकि रूम तो हमारा अवेलेबल है, उसी को एक्सटेंड कर लेंगे एक दिन के लिए। और उसके बाद कल सुबह कितने बजे आप यहाँ से? यदि आपको वो रूम पसंद है और मुनासिब खर्चे पर है तो उसी रूम को एक्सटेंड कर लीजिए। और कल सुबह लगभग 4 बजे के आसपास हम लोग तैयार होकर रोड पे आ जाएंगे। 5 बजे हम लोग जीप में बैठ जाएंगे, 6 बजे यात्रा शुरू हो जाएगी। तो बाबा बर्फानी का जयकारा करते हुए कल 6 बजे जो है हम लोग यात्रा चंदनवाड़ी से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को हम चंदनवाड़ी पे मिलेंगे। हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। हमारे जो दो मित्र छूट गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उन दोनों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभय सक्सेना और शुभम रस्तोगी अपने अपने रजिस्ट्रेशन लेके हमारे साथ खड़े हैं। तो अब हम लोग जो है अपनी पूरी टीम के साथ कल सुबह यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो अभी जो है अब हम लोग स्नान करने जाएंगे, जो पीछे नदी बह रही है उसमें स्नान करेंगे जाके। तो अभी थोड़ा सा लंगर छकेंगे, उसके बाद स्नान करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए व्लॉग में, अपडेट आपको पूरी मिलती रहेगी। जय बोले जय। नहाने के बाद हम पहलगाम में जो है कुछ पार्क वगैरह घूमते हैं। घूमने के बाद जो है वापस अपने होटल में जा कर के कल की तैयारी करते हैं, क्योंकि कल हमें यात्रा प्रारंभ करनी है। और हम तैयारी ही कर रहे होते हैं कि हमको पता चलता है कि गुफा पर जो है भयानक त्रासदी हुई है, और उस त्रासदी में जो है वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है बादल फट जाने की वजह से। कल रात को हुई आपदा के बाद अभी जो है स्थिति सामान्य है। अभी हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं पहलगाम में भंडारे के पास मौजूद हैं। यहाँ सारे भक्तजन हैं, सारी स्थिति जो है वो सामान्य है। और यहीं हम लोग अभी लंगर छकेंगे। और मेरे सारे मित्रगण और मेरे सभी यात्री सेफ हैं और हम सभी पहलगाम में सुरक्षित हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि अगर आज की स्थिति जिस तरीके से सामान्य ऐसे ही सामान्य रहती है तो हो सकता है कल यात्रा जो है वो प्रारंभ कर दी जाए। और अगर यात्रा प्रारंभ कर दी जाती है तो कल यात्रा करेंगे, जैसा होगा शाम तक डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए, आगे की हर पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आज का दिन भी हम लोगों के पास शेष था, क्योंकि हम पूरा दिन जो है पहलगाम में ही रुकने वाले थे। तो हम लोगों ने निश्चय किया जो है आज पहलगाम में आरू वैली, बेताब वैली, ये सब घूमने के लिए जाते हैं। तो घूमने का प्लान बनाते हैं और घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो आज का जो सफ़र है हम लोग बैताल वैली की तरफ बढ़ के स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा जो है अभी अमरनाथ की स्टार्ट नहीं हो पाई है। आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि वहाँ पर कैसी आपदा हुई। भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। और हम लोग जो हैं अभी सारे लोग बेताब वैली, बेताब घाटी देखने के लिए तैयार हैं और वहीं जा रहे हैं। यहाँ से टैक्सी जो है हम लोगों ने कर ली है। अब आगे जैसा होगा वहाँ आप लोगों को बताते हैं, बेताब वैली दिखाते हैं, वहाँ का अनुभव क्या है, वहाँ की कितनी शानदार है वैली। चलिए चलते हैं और देखते हैं। हमारे कुछ यात्री जो हैं वो आगे वाली गाड़ी में हैं, आप देख सकते हैं, और बाकी सभी यात्रीगण मेरे साथ उपलब्ध हैं। मैंने जो अपनी टीम को दो हिस्सों में बांट दिया है। बहुत ही शानदार नज़ारे हम आपको कैमरे के माध्यम से इस समय दिखा रहे हैं वैली के मध्य, जो अद्भुत यह आप देख सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग
आरू वैली पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे पूरा नज़ारा देख सकते हैं, क्या शानदार वैली है, क्या शानदार खूबसूरती है कश्मीर की। और अभी हम वैली के ऊपर चढ़ेंगे जिसका रास्ता सामने से है। तो बेताब वैली तो नहीं, अभी आरू वैली में ही है और यहाँ के दृश्य काफ़ी लुभावने हैं। ये वैली ही पूरी शानदार है और आप हमारे चारों तरफ नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ हमारे पड़ोस में जो लिद्दर नदी, शायद यही लिद्दर नदी है जो हमें पीछे पहलगाम में मिलती थी, क्या शानदार नज़ारे हैं। यहाँ पे जाल वगैरह लगा रखा है, काफ़ी सुंदर लग रही है ये वैली। कश्मीर की घाटी भी उतनी ही अच्छी है, उतनी ही सुंदर है जितनी हमने आपको उत्तराखंड में चौपता वैली दिखाई थी। तो अभी जो है हम लोग बेताब वैली पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और ये आप हमारे पीछे सारा नज़ारा देख सकते हैं, सारा नज़ारा सेम हाल, और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये भी। हम लोगों को पहलगाम में रुके हुए 2 दिन हो चुके थे और हम सब लोगों ने निश्चय किया कि कल दिनांक 11 जुलाई को जो है वापस घर के लिए निकलेंगे। बसों को बुला लिया गया था, घर निकलने की तैयारी हो रही थी कि शाम को जो है अनुमान लगता है कि यात्रा जो है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 11 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। फिलहाल हम लोगों ने निश्चय किया कि जैसा होगा वो कल डिसाइड करेंगे। 11 जुलाई को जब सुबह हम सब लोग उठते हैं तो पता चलता है कि यात्रा स्टार्ट हो गई है, तो हम सब लोग यही निश्चय करते हैं कि अब घर नहीं जाएंगे और यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ से तुरंत मन बदलते हैं और घर जाने का प्लान ड्रॉप करके तुरंत यात्रा पर जो है वो निकल लेते हैं। आगे बढ़ते रहिए, अभी जो है चंदनवाड़ी से पिसुटाप के बीच हम लोग खड़े हुए हैं। मेरे साथ सिर्फ जो है तो अभी 3 लोग हैं, मैं, आकाश और भोला। और अभी जो चढ़ाई चल रही है, यात्रा कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या क्या हम लोगों ने किया, ये सब आप लोगों को यात्रा के दौरान बताते रहेंगे। अभी फिलहाल पिसुटाप पहुँच रहे हैं, सभी यात्रीगण जा रहे हैं। अभी हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, आप मेरे नीचे भीड़ देख सकते हैं, पिसुटाप हमारे सामने है जस्ट, लेकिन अभी काफ़ी ऊंचे हैं, अभी वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम 3 लोग एक साथ चल रहे हैं, मैं, आकाश और भोला। बने रहिए व्लॉग में, आपको पूरी जानकारी देता रहूंगा। दारू बनाए भोले के साथी, शेषनाग झील के पास हैं। आप देख सकते हैं सारे बंदे उपस्थित हैं, नज़ारा क्या दुर्लभ और अश्वसनीय। फिलहाल अभी शेषनाग बेस कैंप पहुंचने में समय लगेगा, तो चलिए चलते हैं। बोला फोटो खिंचा भाई। काफ़ी कठिनाइयों के बीच हमने यात्रा तो स्टार्ट की है और शाम होते होते जो है हम शेषनाग पर पहुंच जाते हैं। शेषनाग में रात में जो देखते हैं कि वहां पर मौसम जो है वो बिगड़ रहा है, काफ़ी शाम को काले भयानक बादल छा गए थे, उम्मीद हो रही थी कि कल भी बहुत बारिश होगी और यात्रा बाधित रहेगी। तो इसी उम्मीद में हम सब जो है निश्चय करते हैं कि अब जो है यात्रा वो घोड़े से करेंगे, जिससे जल्दी यात्रा पूरी हो जाए और हम सब कैसे भी करके बाड़काल पहुंच जाए। तो अगले दिन जो है हम सुबह जो है घोड़े से यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो समय जो हो रहा है वो अभी बज रहे हैं 7 और हम लोग गणेश टॉप
तो भैया गणेश टॉप पहुंच रहे हैं या निकल चुका? गणेश टॉप जो है, गणेश टॉप पहुंचने वाले हैं। कल के हालात देखते हुए आज हम लोगों ने घोड़ा कर लिया है और मेरे सारे सदस्य टीम के बम बम बोले, बम बोले। घोड़े की राइड पहली बार अपने जीवन काल में ले रहा हूँ। चलिए ये जय होले। पौष पत्र से पंचतरणी की ओर जाते हुए और सामने का नजारा आप देख सकते हैं। बम बम बोले, क्या अद्भुत नजारा। अभी जो है हम लोग पंचतरणी पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही समय लगेगा। आप मेरे साथ पीछे कैंप वगैरह देख सकते हैं अगर आपको दिख रहे हो। पंचतरणी के बाद आपको बताते हैं कि हम वहाँ किस तरीके से रहते हैं। फिलहाल कुछ ही समय लगेगा पंचतरणी पहुंचने में, बने रहिएगा। अभी जो है हम लोग श्री पंचतरणी पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पंचतरणी की बैरिकेडिंग भी क्रॉस कर चुके हैं। पीछे पंचतरणी है और बर्फ से ढके पहाड़ और पीछे हमारा गुफा का रास्ता। तो शेष नाग से पंचतरणी, पंचतरणी से गुफा लगभग 12 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। अभी आप मेरे सामने जो है गुफा के दर्शन कर सकते हैं। गुफा जो हमें दिखने लगी है, अभी हो सकता है आप लोगों को कैमरे में ना दिख रही हो लेकिन मुझे जो है बिल्कुल साफ गुफा दिखने लगी है। वहीं स्नान करते हैं, स्नान करके दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं और लगभग 2 बजे तक हम लोगों के दर्शन वगैरह जो हैं सारे कंप्लीट हो जाते हैं। बाबा के काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए और लगभग 2 बजे के आसपास जो है हम बालटाल के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के उपरांत गुफा से बालटाल मार्ग की ओर बालटाल जाते हुए प्रातः 6 बजे से स्नान से यात्रा स्टार्ट की थी और लगभग 2 बजे के आसपास दर्शन पूरे हो गए और 2:20 तक हम लोग गुफा से बालटाल की ओर निकल पड़े थे। अब देखते हैं कि बालटाल कितने समय में पहुंचते हैं। जय बाबा बर्फानी। शाम के बज गए हैं 6:30 और हम लोग गुफा से दर्शन करके बालटाल पहुंच चुके हैं। मेरे सारे सभी मित्रगण, 7 लोगों का ग्रुप पूरा एक साथ दर्शन किए और एक साथ बाबा का आशीर्वाद लिया और अब हम लोग बालटाल पहुँच गए।